नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी पाइनएप्पल और अखरोट का रायता बनाना सीखेंगे। पाइनएप्पल अखरोट का रायता बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम पाइनएप्पल को मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है। उसे एक छोटे मिक्सी जार में ऐड करेंगे। उसके साथ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे भी छील कर पतली स्लाइस में काट लिया है, उसे भी मिक्सर जार में ऐड करके ढक्कन लगाकर दोनों को अच्छे से पीस कर स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। तैयार की हुई पाइनएप्पल और अदरक की पेस्ट को एक तड़का पैन में निकालें और मीडियम फ्लेम पर उसे 2 मिनट के लिए कुक करें। इस तरह से कुक करने से पाइनएप्पल की फ्लेवर एनहांस होगी और रायता में उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हम वेजिटेबल रायता तो बनाते ही है, लेकिन इस तरह से आप पाइनएप्पल का उपयोग करके रायता बनाओगे तो आपके घर में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आएगा। पाइनएप्पल का थोड़ा रंग चेंज हो तब तक चम्मच की मदद से उसे इस तरह से चलाते रहे। पाइनएप्पल की पेस्ट इस तरह से उबलने लगे, फिर हम उसमें 50 ग्राम बारीक कटे हुए फ्रेश पाइनएप्पल के टुकड़े ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम उसमें 3 चम्मच या स्वादानुसार शक्कर ऐड करेंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप शक्कर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पाइनएप्पल का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है तो शक्कर ऐड करोगे तो रायता ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हमें उसे इस तरह से चम्मच की मदद से चलाते रहना है। जैसे जैसे शक्कर मेल्ट होगी वैसे मिक्सर का रंग थोड़ा डार्क होता जाएगा। ये कुकिंग प्रोसेस में करीबन 3 से 4 मिनट का समय लगता है। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल में मैंने 200 ग्राम अच्छा सा फ्रेश और गाढ़ा दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। उसमें 1 चम्मच राई की दाल ऐड करेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ दरदरा पीसा हुआ जीरा ऐड करेंगे, 2 नंग बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करें। उसकी जगह पर आप काली मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक और 1/2 चम्मच काला नमक ऐड करें। अगर आप व्रत उपवास के लिए यह रायता बना रहे हो तो आप राई की दाल, काला नमक और रेगुलर नमक को स्किप करके सिर्फ सेंधा नमक ऐड करके भी आप इस रायते को बना सकते हैं। अब हैंड बीटर की मदद से सभी सामग्री को दही के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि उसमें दही के बिल्कुल भी लम्स ना रहे। हमने जो पाइनएप्पल का मिक्सर तैयार किया था वो रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा हो गया है। उसे मिक्सिंग बोल में ऐड करके चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। पाइनएप्पल को आप कच्चा ऐड करोगे तो रायता उतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा, इसलिए आप ये कुकिंग प्रोसेस अवश्य करें। इस तरह से बनाया हुआ रायता आप रोटी, पराठा, बिरयानी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। रायता को क्रंची और रिच बनाने के लिए उसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए अखरोट के टुकड़े ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो पाइनएप्पल वॉलनट रायता बनकर तैयार है। अब आखिर में हम उसके ऊपर थोड़े अखरोट के टुकड़े और पाइनएप्पल के पल्प से गार्निश करेंगे। तो दोस्तों, आप भी ये रायता की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक करें जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।